नई दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बन गया है तो ये बीजिंग से भी आगे है। सर्दियों में स्थिति और भी खराब होती है, जब फसलों को जलाए जाते हैं, डीजल ट्रक और बस के एग्जॉस्ट और इंडस्ट्रियल एमिशंस जमीन के और भी करीब आते हैं। निवासियों को बचाने और प्रदूषण को कम करने के लिए अधिकारियों ने स्कूल, कंस्ट्रक्शन साइट्स और पावर प्लांट्स को टेम्पररली बंद कर दिया गया है। प्रदूषण को कम करने की उम्मीद से अधिकारियों ने एक वाटर कैनन को भी टेस्ट किया है। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से बहुत सारे कदम उठा रही है। हमने बड़े स्केल पे ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी की, बहुत बड़े स्तर पे 3000 बसें अभी बहुत जल्दी सरकार खरीदने वाली है। अभी मेट्रो का बहुत बड़ा फेज हमने सैंक्शन किया है, जिसमें दिल्ली में चारों तरफ मेट्रो भी आएगी। कल दिल्ली सरकार ने 160 के करीब लेक्स रिचार्ज करने के लिए, उससे भी एक तरह से हरियाली फैलेगी। दिल्ली में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको सॉल्व करने के लिए दिल्ली सरकार 1000 इलेक्ट्रिक बसेस को मंगाया है, जो जुलाई 2019 तक दिल्ली में चलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को 1000 इलेक्ट्रिक बस लाने से फरवरी 2018 में रोका था, नहीं तो अभी तक तो इलेक्ट्रिक बस आ भी जाता। हाईकोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट को यह पूछ रहा था कि ये 1000 बस कहाँ पार्क करेंगे, तो हाईकोर्ट की वजह से पूरा एक साल डिले हो गया। बस एयर पोल्यूशन में ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा भाग है। टू व्हीलर और कार इतना नहीं पोल्यूट करता जितना कि बस और ट्रक करते हैं। डीजल पर चलने वाली बस और ट्रक सबसे ज्यादा समस्या है पोल्यूशन के लिए। सीएनजी बसेस में पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन वाइब्रेशन और नॉइज डीजल बस के उतना ही होता है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए 3 कंपनियों को चुना गया, फोटोन पीएमआई, जेबीएम सोलारिस और एलेक्ट्रा बीवाईडी। ये बस को 3 अलग रूट पे टेस्ट किया गया, रूट 522, रूट 534 और टीएमएस रूट, और ये टेस्ट सक्सेस पाया गया है। टाटा और अशोक लेलैंड ने अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक प्राइस कोट किए थे, जिसके वजह से उन दोनों को टाटा बाय बाय बोल दिया था दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो पर सफर करने के लिए वन मोबिलिटी स्मार्ट कार्ड यूज कर सकते हैं। इधर सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, फुल्ली एसी बस है ये। ये बस के अंदर मेडिकल किट है प्रॉपर, इसमें डिफरेंटली एबल्ड जो लोग होते हैं उनके बैठने के लिए प्रॉपर सुविधा है, छोटे बच्चों के लिए और अगर कोई आदमी सिक हो जाए उसके लिए एक हाफ बेड टाइप की सुविधा है। हर एक सीट पर हैमर दिया हुआ है, जिससे इमरजेंसी में वह हैमर यूज किया जा सके। फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है। बस यात्रियों की सुविधा के अनुसार और रोड कंडीशंस के अनुसार हाइड्रोलिकली ऊपर और नीचे जा सकती है। अगर कोई डिफरेंटली एबल चलना चाहे व्हीलचेयर के साथ, ये टिल्ट हो सकती है प्रॉपरली। इलेक्ट्रिक बस या कार डीजल की चोरी से बचाता है। ज्यादातर समय कार या बस मालिक को पता भी नहीं होता कि डीजल की चोरी हो रहा है। और ये पूरी तरह से इसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है, 100% बैटरी की बस है। इसको जैसे मोबाइल हम घर में चार्ज करते हैं उसी तरह से चार्ज कर सकते हैं। 4-4.5 घंटे में 100% चार्ज हो जाती है, उसके बाद अप टू 280 किलोमीटर चलती है। और इसकी खासियत ये है कि अगर इसमें जब ब्रेक लगती है तो इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वापस बैटरी बैंक में चली जाती है। पूरी तरह से नॉइजलेस बस है, हम मेक इन इंडिया में इसे बनाएंगे। इसकी बस की कॉस्ट की वैल्यूएशन हो रही है, और जैसा एक यहाँ पर फुल्ली लोडेड एसी बस होती है ऑलमोस्ट उसी के कीमत पर ये यहाँ पर बनेगी। देखिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो करीब करीब ऑलमोस्ट 100% 30% से लेकर 100% तक तो इसका ड्यूटी लग जाता है। तो इसीलिए इस बस को अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो महंगी पड़ेगी, लेकिन हम इसको मेक इन इंडिया में बनाएंगे। भारत सरकार की फेम पॉलिसी है, दिल्ली सरकार का अपना टैक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें वैट होता है, रोड रजिस्ट्रेशन होता है, रोड टैक्स होता है, वो सब हेल्प मिलेगी। तो ये जो बस की कॉस्ट है वो आपको ऑलमोस्ट
उतनी ही मिलेगी जितने की आज की डेट में अगर फुल्ली एसी बस जो फुल्ली लोडेड बस होती है दिल्ली की सड़कों पे जो चल रही है वैसी आएगी। कॉस्ट की हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं क्योंकि इसमें बैटरी बैंक बहुत लगा हुआ है, इसमें अलग अलग हम तरह से देखेंगे कि किस तरह से कॉस्ट को कम किया जा सकता है, बैटरी को छोटा किया जाए, बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, अगर जहाँ पर जिन रूट्स पर नॉन एसी बस चलते हैं अगर हम इसको नॉन एसी कर दें, आप अगर एज इट इज बस खरीदी जाए, अगर मैं इसे खरीदूं जैसे हमने खरीद करके यहाँ पर हमने फ्री ट्रायल में दिया है, दिल्ली सरकार ने इसे क्योंकि आपकी सरकार है और बहुत विजिलेंट सरकार है उन्होंने कहा कि आप इसको ट्रायल दीजिए, ट्रायल के बाद इसको रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद कॉस्ट आप हमें उतनी दीजिए जितनी की नॉर्मल बस होती है। हमारे लिए अगर कॉस्ट आप मानेंगे तो 3 करोड़ की बस है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए या सरकार के लिए ये कॉस्ट कोई मायने नहीं रखता। इस बस को संचालित हम लोग मिलेनियम डिपो से करेंगे, मिलेनियम डिपो में ही इसका चार्जिंग सेंटर हम लोगों ने डेवलप किया है, रात में वहीं पर बस चार्ज होगी और दिन में जो है वो केंद्रीय सचिवालय से दिल्ली सचिवालय तक की यात्रा को ये तय करेगी। इन कंपनी की गारंटी है 13 साल की, लेकिन अभी तो कहीं पर अभी 13 साल पूरा नहीं किया है बस ने, तो अभी तो आगे ट्रायल करने पर अन्य कंट्रीज में जहां जहां रन कर रही है उसके फीडबैक से आइडिया लग जाएगा। आप देखेंगे तो सीएनजी के कंपैरिजन में बिजली की जो खपत है कुछ रुपयों में इसकी पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है, हमें जो ज्ञान है पता नहीं सही है कि शायद 25 रुपए के आसपास सीएनजी की पर किलोमीटर 18 रुपए आती है, इसकी 18 रुपए ना आकर 10 रुपए 8 रुपए से नीचे ही जाएगी अगर आप पर, क्योंकि रात को वैसे भी चार्ज होती है तो ग्रिड का रेट वैसे भी बहुत कम होता है, उस वक्त में अगर आप सिर्फ 4 घंटे से चार्ज करेंगे तो कॉस्ट बहुत नेगलिजिबल होगा। और जब हाईकोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को पूछा कि ये बस कहाँ पार्क करेंगे, तब दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ मेजर प्लान्स बनाए। फेज 1 में 6 बस टर्मिनल्स जो बहुत ही बुरे हालत में है उसका मेकओवर करेंगे और सेकेंड फेज में मल्टी लेवल बस टर्मिनल्स बना जाएंगे। ये 6 नए बस टर्मिनल्स जो जुलाई 2019 को खुलेगा उसमें वेटिंग एरिया होगा, लॉकर रूम होगा, वाटर एटीएम, क्रैश, पब्लिक टॉयलेट्स, साइकिल पार्किंग, क्लिनिक्स, बिल पेमेंट सेंटर होंगे। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट को 11,000 नए बसेस की ज़रूरत है, तो इनके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने वर्टिकल पार्किंग के बारे में सोचा। वो यूज़ करेंगे मल्टी लेवल बस टर्मिनल्स जिसमें शॉपिंग मॉल्स, फूड कोर्ट और होटल्स होंगे। तो 11,000 में से 3,000 बसेस को ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, लेकिन अगले 8,000 बस प्योर इलेक्ट्रिक बस होंगे जो दिल्ली का नक्शा ही बदल देगा। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ऑल फ्यूचर बसेस विल बी इलेक्ट्रिक। Thank you.